हेलो गाइस वेलकम तो आज का सेशन स्पेशल होने वाला है क्यों क्योंकि ऐसे डिफिकल्ट दिखने वाले क्वेश्चंस जो हमें लगते हैं कि यार हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन है किससे दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिस्काउंट अब डिस्काउंट अगर हम कहाँ पढ़ेंगे इसको नाउ दिस इज रिलेटेड टू अ टॉपिक कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस तो आज का सेशन इस पे ही फोकस्ड होगा नाउ द गुड थिंग अबाउट दिस इज आज हम बहुत सारे पी वाई क्यूज तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे बट वी आर वेल प्रिपेयर फॉर इट वाई बिकॉज उसके हमने अदर एप्लीकेशन देख ही लिए थियोरी भी कवर कर ली है परसेंटेजेस बिल्कुल क्लियर हो जाए अब एप्लीकेशन करने में बहुत मजा आएगा ठीक है सो so, आज हम ये करने वाले हैं नाउ ठीक है तो परसेंटेज एंड रेशियो इसका ही पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस क्योंकि इसका एप्लीकेशन है ठीक है अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ फॉर पीपल हु डोंट नो सो माई सेल्फ कार्तिक और मैंने यूपीएससी सी एस सी विच इज द सिविल सर्विस एग्जाम मैंने उसे क्लियर किया था टू थाउजेंड सेवनटीन में विथ एन ए आई आर फाइव टू नाइन और मजे की बात क्या है कि एप्टीट्यूड रिलेटेड इंडिया के वर्ल्ड के कई सारे एग्जामिनेशन मैंने क्लियर किए हैं विद ग्रेट स्कोर्स

सो प्रॉफिट और लॉस कब होता है लाइक वेन देर इज अ सेल विच इज हैपनिंग राइट या तो कोई कुछ खरीदेगा या तो कोई कुछ बेचेगा है ना तो अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है सो so, ट्रांजेक्शन में क्या होगा नाउ लेट से टू पीपल वन इज द सेलर वन इज द बायर ठीक है अब सेलर कुछ बेच रहा है ऑफकोर्स द सेलर हैज ऑल्सो गॉट दट आइटम फ्रॉम समवेयर ओनली देन ही और शी कैन सेल राइट सो द कॉस्ट एट विच द सेलर गॉट दिस आइटम

सेलर है उस, उसने कितने में खरीदा एंड सेलिंग प्राइस इज द बायर ने किस रेट पर खरीदा ठीक है बहुत सिंपल है जस्ट नोट दिस डाउन और ये शॉर्ट फॉर्म भी नोट कर लो बिकॉज जनरली वी आर गोइंग टू यूज दिस राइट क्योंकि बार बार लिखना इट मेक सेंस ठीक है अब लॉजिकली सोचो यार प्रॉफिट क्या होगा वॉट इज प्रॉफिट इफ आई एम अ सेलर आई एम गोइंग टू मेक प्रॉफिट राइट इफ आई बाई एट कॉस्ट प्राइस एंड आई एम सेलिंग एट सेलिंग प्राइस तो प्रॉफिट क्या होगा सेलर का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस राइट इज एंट एट अब प्रॉफिट कब होगा तब होगा ना जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो ठीक है क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो गया इफ दैट वॉट विल है इज गोइंग टू मेक अ लॉस राइट बिकॉज द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस तो ऐसे केस में लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे लॉस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है तो यहाँ पे दिस माइनस दिस ठीक है यही हो गया प्रॉफिट ये हो गया लॉस ठीक है बायर का तो प्रॉफिट लॉस होता नहीं बायर ओनली सेलर इज गोइंग टू हैव अ प्रॉफिट और लॉस राइट तो ये सिंपल से फॉर्मूले हो गए इसमें एक चीज और जोड़ लेते हैं नो अ लुक एट दीज टर्म्स कि ये प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंट लिखा है नो प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट कुछ नहीं है प्रॉफिट को जब मैं कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करूंगा और हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दूंगा प्रॉफिट परसेंटेज है और प्रॉफिट क्या था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू हंड्रेड यह हो गया प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होगा लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू हंड्रेड और लॉस क्या है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ठीक है नो इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं रखना है ठीक है क्योंकि लॉस किसको होगा लॉस होगा सेलर को राइट right? जो मर्चेंट है जो रिटेलर है तो उस उसने जिस प्राइस पे खरीदा है वो होना चाहिए डिनोमिनेटर में ठीक है सो दिस इज समथिंग यू नीड टू टेक केयर अब इतने ही फॉर्मूले हैं दैट इज ऑल देर इज बट इसको यूज करके हम सारे पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे एंड यू विल ऑल्सो थिंक कि यार ये कैसे हो रहा है ठीक है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बहुत ज्यादा इट्स जस्ट कि ये टर्म्स देख के थोड़ा सा स्कैर लगता है बट इतना मुश्किल है नहीं ठीक है तो उससे पहले एक चीज क्या है आप देख लो यहाँ पे ऑल द लेक्चर्स विच आई एम टेकिंग है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सारे एक ही जगह आपको मिलेंगे कहाँ पे एट कलाम्स वेबसाइट तो आपको क्या करना है ये जो लिंक है यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी कलाम डॉट इन स्लैश यू इसका लिंक बाय द वे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा तो यहाँ आप जाओगे आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा सब कुछ से मेरा क्या मतलब है सब कुछ मतलब यू आर गोइंग टू गेट वीडियोस भी वही मिलेंगे आपको ठीक है आपको लेसन का पी भी एफ मिल जाएगा बोनस एडेड टेक्स्ट में आपको कंटेंट मिलेगा जो स्टडी मटेरियल है ठीक है तो ये तीनों चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएगी एज अ सिंगल कोर्स ठीक है तो इसमें आप ये सारी चीजें जो अब तक हमने की सारे एक ही जगह आपको मिल जाएंगे एंड ऑफ कोर्स यू कैन ज्वाइन दिस लिंक कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ठीक है सो so, आप क्या करते हैं अब हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन ठीक है रिलेटिवली इजी सो अ पर्सन बॉट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर थ्री लैक्स राइट सो सेलिंग प्राइस हम लिख लेते हैं थ्री एंड देन फाइव जीरो ठीक है If he incurred a loss of 20%, परसेंट अब लॉस क्या लॉस परसेंट क्या होता है हमने हमें पता है वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इन टू हंड्रेड ये कह रहा है ये कितना है दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी अच्छा ठीक है अब हम क्या करेंगे हंड्रेड को मैं राइट right साइड ले गया सो so ये तो ट्वेंटी डिवाइडेड बाई हंड्रेड टू पॉइंट टू हो गया राइट right? तो मुझे मिल गया यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू पॉइंट टू टाइम्स कॉस्ट प्राइस अब इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले आओ तो क्या मिल गया कॉस्ट प्राइस माइनस पॉइंट टू कॉस्ट प्राइस तो इधर मैं लिख सकता हूँ जीरो पॉइंट एट कॉस्ट प्राइस राइट और सेलिंग प्राइस को मैं ले जाऊंगा राइट साइड सो दिस बिकम्स सेलिंग प्राइस इज इट एट वॉट डू हैव टू फाइंड आई हैव टू फाइंड हाउ मच डिट हि स्पेंड टू बाई द कार विच इज द कॉस्ट प्राइस सो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट एट और सेलिंग प्राइस हमारे पास है सो so, सेलिंग प्राइस है थ्री लैक्स राइट इसको पॉइंट एट से डिवाइड करो सो so, पॉइंट एट को कैसे लिख सकता हूँ मैं फोर ओवर फाइव लिख सकता हूँ तो यहाँ फोर आ गया यहाँ फाइव आ गया सो वंस यू डू दिस कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन करो ठीक है कैंसल आउट होंगे इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट कैलकुलेशन बट यू हैव टू डू राइट इट ठीक है ट so ये आपको मिल जाएगा तो अब देखो मैंने केवल ये फॉर्मूला यूज किया लॉस परसेंट का कुछ भी नहीं किया और आई हैथिंग एल्स ठीक है एंड दिस पी वायू इज सॉल्व दैट सॉल यू नीड टू डू ठीक है सोल्व हो गया क्वेश्चन आंसर भी आ गया और आंसर सही भी होना चाहिए ठीक है सो दैट इज ऑल यू नीडेड टू डू बस ये फॉर्मूला यूज करो इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले आओ इसको उधर ले आओ सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स राइट दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट इज इंट इट अब आगे देखते हैं सो so, एक नया क्वेश्चन हैव अ लुक एट दिस सो अ पर्सन अलाउस अ टेन परसेंट डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट फ्रॉम द मार्क प्राइस ऑफ अ टॉय एंड स्टिल मेक्स अ टेन परसेंट गेन अब मार्क्ट प्राइस क्या है ये ना ही कॉस्ट प्राइस है ठीक है, ना ही ये सेलिंग प्राइस है ठीक है टॉय so like पे प्राइस लिखा हुआ है अब जरूरी नहीं है कि ये हो, right? Because seller ने सस्ता खरीदा होगा मोस्टली और ये सेलिंग प्राइस भी नहीं है क्यों क्योंकि एम आर पी पे डिस्काउंट भी दे सकते हैं सो दिस इज डिफरेंट ठीक है देन इट इज सेइंग व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय विच इज मार्क्टी तो हमें पता है यार ये मार्क् प्राइस इसका है सेवन सेवेंटी ठीक है इसको यूज करेंगे हम ठीक तो पहली चीज है अ पर्सन अलाउस टेन परसेंट डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट टेन परसेंट डिस्काउंट इस पर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा मेरा सेलिंग प्राइस क्या है मार्क प्राइस में से टेन परसेंट में सब्ट्रैक्ट करूंगा राइट तो सेवन सेवेंटी में से सेवन सेवेंटी सेवन सब्ट्रैक्ट होगा तो मुझे मिलेगा सिक्स थ्री तो ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस अब बोल रहा है the person still makes a 10% gain. So 10% gain मतलब 10% profit. Profit percent का क्या होता है formula? Selling price minus cost price over cost price into 100. और ये कह रहा है this is equal to 10. And हमें ढूंढना क्या है cost price ही. तो बढ़िया we have selling price. और इसको मैं again right side move करूँगा. So this will become 0.1. तो मुझे मिलेगा selling price माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू पॉइंट वन कॉस्ट प्राइस ठीक है अब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू इसको राइट साइड ले वन पॉइंट वन प्राइस और कॉस्ट प्राइस मुझे मिल गया सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन इज अब सेलिंग प्राइस कितना है राइट सेलिंग प्राइस सिक्स नाइन्टी थ्री है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया सिक्स नाइन थ्री डिवाइडेड बाई वन पॉइंट वन इसको मैं लिख सकता हूँ सिक्स नाइन थ्री जीरो डिवाइडेड बाई इलेवन अब आप डिवाइड करो आपको क्या मिलेगा सिक्स थ्री जीरो तो दिस इज योर आंसर फॉर कॉस्ट प्राइस अगेन क्या किया है एक ही फॉर्मूला यूज किया है कुछ भी नहीं किया और ये तो बस मैंने क्वेश्चन में दिया डिस्काउंट से लिख दिया आई हैव यूज जस्ट वन फार्मूला अगेन इट मे सिम कॉम्प्लिकेटेड बट अगेन आई एम जस्ट यूजिंग सिंगल फॉर्मूला ठीक है समझ आ गया ठीक अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेल्स एन आर्टिकल एट रुपीज फोर्टी एंड गेट्स प्रॉफिट अब इतने क्वेश्चंस क्यों ले रहा हूं मैं ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट डाउट ही ना बचे तो ये कह रहा है कि तब शॉपकीपर ने आर्टिकल बेचा है फोर्टी सो सेलिंग प्राइस मुझे पता है कितना है फोर्टी है एंड गेट्स एक्स परसेंट प्रॉफिट सो प्रॉफिट परसेंटेज को हम लिख लेते हैं एक्स परसेंट ठीक है हावेवर वेन ही सेल्स दैट एट रुपीज ट्वेंटी ही फेसेज द सेम परसेंटेज ऑफ लॉस ठीक है तो इस सेलिंग प्राइस को मान लो एस पी वन लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो जो फोर्टी है और बाद में जिस रेट पर बेच रहा है जो ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी रुपीज पे बेच रहा है उसको मैं सेलिंग प्राइस टू मान लेता हूँ ठीक है कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए अब पहले केस में क्या है आर्टिकल इज बिंग सोल्ड एट फोर्टी ठीक है प्रॉफिट परसेंटेज एक्स है मतलब सेलिंग प्राइस फोर्टी है कॉस्ट प्राइस इसका मान लेते हैं हम वाई ठीक है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इन टू हंड्रेड ये हमें बोल रहे दिस इज इक्वल टू एक्स ठीक है फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस इज वेन ही सेल्स इट ए ट्वेंटी सेम परसेंटेज ऑफ लॉस अब लॉस परसेंटेज क्या है कॉस्ट प्राइस माइनस ये नया सेलिंग प्राइस विच इज एसपी टू डिवाइडेड बाई वाई इन टू हंड्रेड ये भी एक्स के इक्वल है ठीक है अब हमें निकालना क्या है वॉट इज द ओरिजिनल कॉस्ट मतलब वाई ठीक है तो अब क्या करते हैं थोड़ा और क्लियरली लिख लेते हैं ठीक है अब ये दोनों एक्स के इक्वल ही है ना दिज बो टर्म्स राइट साइड सेम है सो कैन आई से दिस एंटायर टर्म इज इक्वल टू दिस एंटायर टर्म राइट सो आई कैन से फोर्टी माइनस वाई ओवर वाई इन टू हंड्रेड Is equal to 40 minus uh, y minus 20 over y into 100. 100 100 cancels, y y cancels. So what do I get? 40 minus y is equal to y minus 20. Move 20 either y right side. So 40 plus 20 is 60. Y plus y is 2y. So 2y is 60, which means y is equal to 30. दैट इज माई आंसर यही निकालना था मुझे राइट right? तो देखो एक ही फॉर्मूला अगेन यूज किया बट दो बार अप्लाई किया बस इक्वल कर दिया कुछ नहीं किया और अगेन आई एम यूजिंग दैट प्रॉफिट वाला लॉस वाला सिमिलर सेम फॉर्मूला और इस एक्स को कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी उसको सीधा ही इक्वल कर दिया ठीक है तो क्वेश्चन में एक्स दे के डरा दिया बट एक्स की यूज ही नहीं था कोई जरूरत ही नहीं थी ठीक है सो वी गेट द आंसर है थर्टी ठीक है ये भी हो गया अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो सबसे पहले दिखाया था जिसको देख के लग रहा होगा यार ये तो बहुत मुश्किल है ये पता नहीं क्या किया है ये समझाता हूँ एंड दिस इज वेरी सिंपल अगर आप ध्यान से सुनोगे सो नाउ पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू वॉट आई एम स्पीकिंग ठीक है अ शॉप ओनर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शन आर्टिकल टू अ कस्टमर ठीक है तो मान लो कि उस जो आइटम है उसका मार्क्ड प्राइस है सो so, हमेशा ऐसे सिचुएशन में इमेजिन करो कि किर द शॉप राइट सो व्हाट इज हैपनिंग डिस्काउंट बोल रहे तो मार्क्ड प्राइस पे ही होगा ना जो एम आर पी है सर्विस टैक्स ठीक है तो आप ये कैलकुलेट करते हैं कस्टमर ऑप्शन हमें पूछे कस्टमर के परस्पेक्टिव से मतलब कस्टमर अब अगर मार्केट प्राइस एक्स है और उस पर पहले टेन परसेंट डिस्काउंट दिया ठीक है सो so अगर टेन परसेंट डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया प्राइस एक्स में से पॉइंट माइनस कर दूंगा राइट तो मैं कहूंगा कि एक्स पॉइंट नाइन एक्स बचा ठीक है फर्स्ट स्टेप नाउ इट इज रिटन सक्सेसिव डिस्काउंट पहले टेन परसेंट डिस्काउंट दिया अब इस पूरे प्राइस पे जो ये पूरा है इस पर ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट दिया मतलब इस पूरे का मैं ट्वेंटी परसेंट सब्ट्रैक्ट करूंगा मतलब इस पूरे का एट्टी परसेंट बचेगा केवल मतलब दिस इनटू टू पॉइंट एट ठीक है अब इस पूरे प्राइस के ऊपर यू हैव टू पे सर्विस टैक्स ऑफ टेन परसेंट मतलब इस पर टेन परसेंट एड करूंगा मतलब प्लस पॉइंट वन हो जाएगा पॉइंट वन टाइम्स तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस पूरे को मल्टीप्लाई किया वन पॉइंट वन से ये टेन परसेंट डिस्काउंट है ये ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट के लिए और ये टेन परसेंट टैक्स के लिए तो इतना कस्टमर को पे करना पड़ेगा इज इट ठीक है तो ये मिला पहले से अब देखते हैं दूसरे में क्या होता है दूसरे में कह रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट्स डिस्काउंटी परसेंट फिर टेन परसेंट मतलब पहले पॉइंट टू एक्स सब्ट्रैक्ट होगा मतलब पॉइंट एट एक्स बचेगा ठीक है फिर टेन परसेंट डिस्काउंट दिया मतलब इस अब जो नया नंबर है इसका नाइंटी परसेंट देना है ठीक है अब इस पूरे पे सर्विस टैक्स टेन परसेंट देना है तो इस पूरे को फिर से वन पॉइंट वन से मल्टीप्लाई किया ये हो गया इसका आंसर ठीक है थर्ड पॉइंट इज सेइंग पे सर्विस टैक्स ऑफ टेन परसेंट फर्स्ट वो कह रहा है पहले इस पे पॉइंट वन एक्स एड तो करो ठीक है तो वन पॉइंट वन टाइम्स हो गया देन डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट एंड टेन परसेंट मतलब फिर पॉइंट एट और फिर पॉइंट नाइन क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कस्टमर के लिए बेस्ट ऑप्शन है अब आप केयरफुली देखो ये तीनों नंबर सेम ही तो हैं सब में एक्स को मल्टीप्लाई मैंने पॉइंट नाइन पॉइंट एट वन पॉइंट वन इन्हीं तीनों से किया है सो एक्चुअली ऑल ऑफ देम आर सेम बट देख के ऐसे लग नहीं रहा है ठीक है तो इसीलिए मैं बोलता हूँ डायरेक्टली लिखने की भी प्रैक्टिस करो माइनस करके लिखोगे प्रॉब्लि होगा दिक्कत आएगी यहाँ पे डायरेक्टली पॉइंट एट पॉइंट नाइन वन पॉइंट वन ऐसे लिखोगे तो बहुत सिंपली बहुत जल्दी हो गया तो तीनों सेम है तो मुझे पता है ऑल द ऑप्शन आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर ठीक है तो इस इस वाले को अच्छे से लिखो फिर से रिवाइंड करके प्ले करो अगर समझ नहीं आया है ठीक है दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन ओके बट नॉट अ डिफिकल्ट वन अगेन सो मूविंग अहेड हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए सो so अब एक होमवर्क तो बनता है अच्छा सा सो so, आज एक ही क्वेश्चन है होमवर्क नाउ द रीजन बींग दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ठीक है स्ट्रेट फॉरवर्ड टेन माइनस टेन जीरो लग रहा है इट मे नॉट नेसेसरिल बी द आंसर ठीक है तो इफ सोहन वाइल सेलिंग टू गोड्स एट द सेम प्राइस मेक्स अ प्रॉफिट टेन परसेंट ऑन वन गोड एंड ऑफ ऑफ लॉस ऑन द अदर ठीक है टेन माइनस टेन जीरो डायरेक्ट नहीं करना है वॉट यू नीड टू रिमेंबर है गोड्स का सेलिंग प्राइस सेम है ठीक है इट्स नॉट कॉस्ट प्राइस और एनीथिंग एल्स दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो आपके पास फॉर्मूला है ही दोनों केस में आप कैलकुलेट कर लो क्या आता है राइट right? एंड देन यू कैन जस्ट लेट मी नो दोनों केसेस में प्रॉफिट और लॉस कितना है, एक बार कैलकुलेट कर लो और प्रॉफिट में से लॉस को सब्ट्रैक्ट करो या वाइस वर्सा आपको टोटल ट्रांजेक्शन का कॉस्ट मिल जाएगा ठीक है दो ट्रांजेक्शन है पहले का प्रॉफिट निकालो दूसरे का लॉस निकालो एंड देन यू कैन एड दम एंड सी वॉट है सो इतना एक्सप्लेनेशन दे दिया फॉर्मूला यूज करो ट्राई टू राइट इट ठीक है सो विथ दिस वी हैव कवर्ड टू डेसन तो आप जो भी इसका आंसर हो इसको सुपर के एट कलाम डॉट इन पे ही मेल करना एंड दिस इज समय शेयर इफ समेड टाउन स्क्रीन शॉट ले लो गलत जगह मत भेजना ठीक है और इसके साथ हमने चालीस परसेंट विच इज वॉट टू आउट ऑफ फाइव टू फिफ्थ हमने खत्म कर लिया मैं इसका प्रिपरेशन राइट दो लेक्चर और करने की बात है दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और खत्म हो जाए अप्रॉक्स फिफ्टी परसेंट हो जाएगा सो दिस इज रिमार्केबल प्रोग्रेस ऑन योर पार्ट एज वेल कि आप इतने कंसिस्टेंट हो सो मेक श्योर आप लाइक like करो सब्सक्राइब करो और कॉमेंट्स भी करो ठीक है आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि अभी तक जो प्रोग्रेस हुआ है वॉट इज स्टॉपिंग यू अगर कोई चीज है जिसको लग रहा है आपको कि यार यहाँ पे क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है सनी थिंग लाइक दैट यू कैन जस्ट ई मेल मी एंड लेट मी नो कॉमेंट्स में भी यू कैन जस्ट लेट मी नो दैट ठीक है सो मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल ओके गाइज सो so, अगले सेशन में मिलते हैं और उसमें हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे ऑन द नेक्स्ट टॉपिक एंड टिल देन सी यू बाय बाय एंड टेक केयर